मैं आपसे एक मौजू के ऊपर जिस मुसलसल मैं बात कर रहा हूँ मैं बात तो उसी पे करना चाहता हूँ लेकिन मैं आज एक अपना ला देने लगा हूँ कि हमने अब इस मुल्क में ये जो ओ ना इंसाफियाँ हो रही हैं इसके ऊपर अब हमने आ, कौन सी पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू करनी है। और वो मैं सारी मेरी जो पोलिटिकल पार्टी है मेरे जो कारकुन हैं उनको और मैं पाकिस्तानी आवाम से मुखातिब होना चाहता हूँ कि अब अगला रास्ता क्या है क्योंकि मुझे आहिस्ता आहिस्ता अब ये यकीन हो गया है कि इसके बावजूद के हमारा मुल्क का आइन बड़े वाज तरीके से कहता है कि इलेक्शन नब्बे दिन में होनी है यानी जब हमने अपनी असम्बलियाँ पंजाब की और पख्तूनख्वा की जब हमने अपनी असेंबलियां डिजॉल्व की तो हमने इस नॉलेज से की कि पाकिस्तान का जो आइन है वो वाजे कर देता है कि नब्बे दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। इक्यानवे दिन का मतलब यह कि जो भी गवर्नमेंट है वो गैर आइनों आनी होगी यानी ये जो चीफ मिनिस्टर्स केयरटेकर के अपॉइंट किए गए हैं इक्यानवे दिन इनके ऊपर आइन की, की वो शिक लगती है जिसमें ये आइन की आइन की वर्जी कर रहे हैं तो वो सारी जो सजाएं उसके साथ हैं वो इनके ऊपर लागू होती है। और इसके अंदर जो इलेक्शन कमीशन है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसका जो रोल्स अब तक सामने आ रहा है कि इसके बावजूद के उसको पता है कि पाकिस्तान का जो आइन है वो नब्बे दिन के अंदर इलेक्शन करवाया था जब हमारी असेंबलियां डिजॉल्व हुई तो ना गवर्नर ने अभी तक उसके ऊपर चलाया दोनों गवर्नर्स नहीं चले ना इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर चली है। और जो सबसे हैरतनाक बात है कि इलेक्शन कमीशन बेबसी जाहिर कर रही है कि जी पैसे नहीं है वो कोई कोई गवर्नमेंट का इदारा मेरे साथ तावन नहीं कर रहा कि जी वो कोई कहता है हर किस्म की हम खबरें पड़ते हैं कि जी पुलिस नहीं होगी तो फौज नहीं होगी तो मैं, आ, मेरे पाकिस्तानियों ये समझ आए कि जिस दिन पाकिस्तान के आइन के ऊपर कोई अमल नहीं होता और पाकिस्तान की जुडिशरी अमल नहीं करवा सकती यानी जुडिशरी फैसला करती है कि ये होना चाहिए आइन और ये आइन क्योंकि जुडिशरी तो आइन की इंटरप्रिटेशन करती है तो वो जब एक चीज सामने रखती है कि ये वाजे आइन में और उसके बाद कोई भी हुकूमती कोई भी इदारा डिपार्टमेंट यह कहे कि हम जी इसमें तावन नहीं कर सकते उसके बाद मुल्क का कानून खत्म हो गया उसका मतलब यह कि जब आपके मुल्क के आइन के ऊपर पाकिस्तान की अदलिया अमल ही नहीं करवा सकती तो यह समझ जाए कि इससे बड़ी बर्बादी एक मुल्क की नहीं हो सकती जंगे हार के मुल्क बच जाते हैं फिर से खड़े हो जाते हैं एटम बॉम्ब दो एटम बॉम्ब के बाद एक मुल्क दस सालों में खुशहाल हो गया बॉम्ब जंगे जलजले ये तबाह नहीं करते मुल्क को मुल्क तबाह होता है जब उस मुल्क का इंसाफ खत्म हो जाता है जो जब उस मुल्क में रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाता है जब उस मुल्क के जो बनाया हुआ आइन है उसके ऊपर अमल खत्म हो जाता है और जब जजेज अपनी जजमेंट से आ, आ, एक मुल्क के ऊपर इंपोज नहीं कर सकते तो हम आज उधर खड़े हो गए हैं हम आज उधर खड़े हैं कि हम तमाशा देख रहे हैं मैं पॉलिटिकल पार्टी का हेड हूं हम इंतजार कर रहे हैं कि कब नब्बे दिन के इलेक्शन का कब शेड्यूल आएगा हमने फिर से मैं कहता हूं कि मैं कोई पागल तो नहीं था कि मैं अपनी दो गवर्नमेंट्स गिरा दूं डिसॉल्व कर दूं हमने तो आइन को सामने रखते हुए डिसॉल्व किया पहले हम इनको कोशिश करते रहे इनको कहते ये जो इंपोर्टेड हुकूमत आई है इनको बार बार कहते रहे कि देखें ये मुल्क आप नहीं चला सकते आपके पास पब्लिक मैंडेट नहीं है इलेक्शन से जो आता है उसके पास मैंडेट होता है जो ऑक्शन से आता है यानी जो लोगों के जमीरों की कीमत लगा के करोड़ों रुपए हराम का पैसा खर्च करके लोगों को खरीद के गवर्नमेंट गिराता है उसके पास पब्लिक मैंडेट नहीं होता वो इस मुल्क को कभी भी नहीं संभाल सकता था जिधर मुश्किल फैसले करने पड़े ये कहते नहीं जी हमने बड़े मुश्किल फैसले किए इन्होंने क्या मुश्किल फैसला किया कीमतें बढ़ा दी ये कोई मुश्किल फैसला है कि आप आके आ, हर आ, बिजली की गैस की सब की और ये जो कीमतें बढ़ाते जा रहे हैं कि जी हमें आई एम एफ ने कहा हम भी आई एम एफ के नीचे थे हम ढाई साल आई एम एफ के नीचे थे हमें भी कहा जा रहा था कीमतें बढ़ाएं हमने अपने मुल्क की दौलत बढ़ाई हमने वेल्थ क्रिएशन की हमने वो अपने मुल्क में ज्यादा डॉलर्स तारीख में सबसे ज्यादा डॉलर्स लेके आए हमने पूरी कोशिश की कि हमारे मुल्क की जब दौलत बढ़ेगी तो हम कर्जे वापस करेंगे इन्होंने आके आई एम एफ के, के कंधे पर बंदूक चलाई सारी चीज़ें महंगी कर दी कि जी आई एम एफ कह रहा है हमें और लोगों की कमर तोड़ दी और जो आमदनी थी जिससे हमने कर्जे वापस करने थे वो सुकर, वो सुकड़ गए हैं ना हमारी एक्सपोर्ट्स भी नीचे आ गई रिमिटेंस भी नीचे आ गई अब टैक्स कलेक्शन नीचे आ क्योंकि इंडस्ट्री बंद हो रही है जो हमारी पैदावार थी जो किसानों का हाल है वो अब प्रोडक्ट किसानों की पैदावार जब नीचे आएगी तो हमने कर्जे वापस कैसे करने हल ये तो नहीं है कि और मजीद और कर्जे लेते जाओ हल तो यह है कि मुल्क की दौलत में इजाफा करें ताकि हम कर्जे वापस करें तो उन, इन इनके लिए जो मुश्किल अब अब है गवर्नमेंट के लिए वो एक ही थी कि किसी तरह ये मुल्क में रीस्ट्रक्चरिंग करवा दे जो क्राइसिस आता है इसके अंदर हम मुल्क के अंदर असलाहत कर देते हम अपनी आमदनी बढ़ाने के वो सारा जो गवर्नेंस सिस्टम है वो चेंज कर देते वो ये अब कर नहीं सकते क्योंकि इनके पास मैंडेट भी नहीं है ना इनके पास सलाहियत है लेकिन मैं आज अपनी कौम के सामने जो जो बात कहना चाहता हूँ कि देखें अगर किसी का ख्याल है ये मैं पहले भी क्या बैठा हूँ कि कोई बड़ा काबिल कोई जीनियस कोई इकोनॉमिस्ट दुनिया से बाहर ले आए और वो हमें कोई ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी दे जिससे मुल्क उठ जाएगा तो आपको समझना चाहिए कि इकोनॉमिक पॉलिसी एक मुल्क की इन्वायरमेंट के अंदर बनाई जाती है यानी एक माहौल होता है जिसके अंदर इकोनॉमिक पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाती यानी आपकी गवर्नमेंट कैसे चलती है सबसे अहम चीज होती है रूल ऑफ लॉ उस वो क्यों इंपॉर्टेंट होती है कि उसमें जब एक मैं कॉन्ट्रैक्ट मैं मस सरमा कर पाकिस्तान में पैसा लगाना चाहता हूं तो क्या मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स कर सकूंगा क्या अदलिया मेरी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करेगी क्या मुल्क के अंदर क्या वो रूल ऑफ लॉ यानी कानून को इंप्लीमेंट करने की क्या वो सलाहियत है कि मुझे इतमाद होगा कि मैं जब पैसा लगाऊंगा तो उसको उसकी हिफाजत की जाएगी आज ये हाल है कि जो हमारे जो लोगों ने पाकिस्तानी बैंकों के अंदर डॉलर्स रखे हुए थे आज उनको डॉलर्स नहीं मिल रहा है यह उनको गारंटी दी गई थी कि हम आप, आप अपने डॉलर्स पाकिस्तान में रखें बैंकों में और हम उनकी हिफाजत करेंगे आज वो लोग अपने डॉलर्स बैंकों से नहीं निकाल सकते ये भी एक ये कॉन्ट्रैक्ट जो कौ, सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है अवाम में और हुकूमत में पहले तो ये इसकी नफी करके रख दी है अब सोचें कौन बाहर से पैसे लेके आएगा पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी अभी भी अपना पैसा निकालना शुरू हो गए हैं या ल, 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 पैसा नहीं ला रहे पाकिस्तान में जिसका मतलब कि डॉलर मजीद और कम होते जा रहे हैं पाकिस्तान में जिसका मतलब डॉलर के कर्जे बढ़ते जा रहे हैं पाकिस्तान में तो इस माहौल के अंदर ये जो आज इतनी बड़ी हमारे आयन की खिलाफ वर्जी हो रही है कि नब्बे दिन से ये कोई इनकी सोच नहीं नजर आ रही कि नब्बे दिन के अंदर इलेक्शन करवाना है बल्कि पूरा दबाव रखा जा रहा है हर इदारे के ऊपर दबाव रखा जा रहा है कि किसी ना किसी तरह ये इलेक्शन को खींचे, क्योंकि ये सारी जो पी डीएम है यह इलेक्शन से भाग रही है डरती है इलेक्शन लड़ते हुए इनको फिर से मैं कहता हूं ये इलेक्शन से गवर्नमेंट में नहीं बैठे ऑक्शन से बैठे हुए हैं यह डरे हुए हैं इलेक्शन होगा यह हार जाएंगे लिहाजा इसका मतलब यह है कि आइन की खिलाफवर्जी हो जाए लेकिन इलेक्शन ना हो और या फिर ये कोशिश कर रहे हैं जिस जो मैंने बात शुरू की थी कि मैं पार्टी का हेड हूं हमें अभी तैयारी होनी चाहिए थी इलेक्शन कैंपेन की मुझे अभी अभी टिकट्स फाइनलाइज करने चाहिए थे लोगों के ताकि वो हमारे सारे जो कैंडिडेट्स अपने हल्कों में निकले लेकिन अभी तक हमें डेट ही नहीं मिल रही और ये किधर तक जाएंगे क्या इनका वो ख्याल है जो इन्होंने कराची में किया था कि डिले करते करते डेट्स चेंज करते करते आखिर में इतना थोड़ा टाइम दिया इलेक्शन से पहले कोई कैंपेन ही नहीं कर सका क्योंकि ये चाहते थे कि टर्न आउट कम हो अगर लोग कम निकलेंगे वोट डालने के लिए तो ये समझते हैं कि इन्होंने धांधली करके ये इलेक्शन जीत सकते हैं जो कराची में पीपल्स पार्टी का कराची में वोट बैंक है ही नहीं कोई पोल सर्वे कर ले। लेकिन वो इलेक्शन में आ, आ, बड़ा कारनामे दिखाती है वो क्यों कर दिया क्योंकि लोग निकलते नहीं और धांधली का मौका मिल गया हमारी जो तहरीक इंसाफ की कोशिश जो हम 16 जुलाई का इलेक्शन जीते उसके बाद जो हम अक्टूबर के अंदर नेशनल इलेक्शन नेशनल असेंबली के इलेक्शन जीते जो हम 16 जुलाई को प्रोविंशियल असेंबली के पंजाब में इलेक्शन जीते हम कैसे जीते क्योंकि बड़ा जबरदस्त टर्नआउट हुआ पब्लिक वो कभी बाय इलेक्शन में थी पब्लिक निकली इसलिए हम जीत गए और धांधली के बावजूद हम जीते सब सब एक ही पेज पे खड़े थे सारी पार्टीज एक तरफ थी इनको पूरी एस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग थी इलेक्शन कमीशन के साथ ही क्योंकि पब्लिक बाहर निकले हम जीत गए तो अब ये मुझे खौफ ही है कि कोशिशें कर रहे हैं कि एंड में जाके अगर इलेक्शन हो भी पहले तो कोशिश इनकी इलेक्शन ना होगा हो अगर एंड में तो इतनी कम टाइम हमें कैंपेन का मिले कि ये, ये उस कम कैंपेन को इस्तेमाल करते हुए ये इलेक्शन जीत जाए ये इस वक्त जो इनकी हमें नज़र आ रही है इनकी पॉलिसी और मैं इसलिए अपनी सारी कौम को कह रहा हूँ कि हम अगर ये इनका ख्याल है कि हम चुप करके ये इनको इलेक्शन को चोरी करने देंगे ये नहीं कर सकते और ये अगर इनका ख्याल है कि हर हरबा इस्तेमाल करेंगे और पूरा प्रेशर इन्होंने अदलिया के ऊपर अब डाल दिया है सारी कोशिश यह कि किसी तरह इलेक्शन आगे जाए तो उसके ऊपर हम अब हमने फैसला किया है कि हम ये जो अभी मैं तहरीक अनाउंस करूंगा हम उसमें अब निकलने लगे हैं मेरा जरा दूसरा इसी का पहलू अब मैं जो अगला पहलू लाना चाहता हूं, कि देखें हमें हम जो ये ये पिछले दस महीने में हमने देखा है कि पाकिस्तान की तारीख में इस तरह इंसानों की बुनियादी हकूक की कभी ऐसी खिलाफ वर्जी पामाली नहीं हुई जो आज है कभी इस तरह बेशर्मी से यानी स्टेट पावर इस्तेमाल की गई आ, सियासी मुखालफ के खिलाफ जो अब हो रहा है मैंने इसकी कई मिसालें मैं कई दफा बता चुका हूँ कि जो शबाज गिल से शुरू हुआ तशद उसको नंगा किया गया उससे जो जुल्म किया गया जेल में मुझे अभी तक अफसोस है कि कोई उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई जो जिम्मेदार थे उसके उसके बाद आजम स्वाति से जो किया गया अब जो आजम स्वाति से किया गया वो कौम हिल गई खास तौर पर पहले तो जो तशद किया उसके बाद जो एक वीडियो के सेट वीडियो उसकी भेजी गई उनकी उनकी बीवी को और उनकी बेटी को इस तरह की चीज़ें कभी इस मुल्क की तारीख में नहीं हुई कि ऐसी ब्लैक मेलिंग और ऐसा ऐसा इस मुल्क में नहीं हुआ और उसके बाद जो फौज चौधरी को उठाया शेख रशीद को उठाया लेकिन जो सहाफियों से हुआ मैं इसलिए बार बार कहता हूँ ये सारा कनेक्टेड है मुंह बंद करवाने के लिए ब्लैकमेल कर, करने के लिए सारी कैंपेन्स की गई अरशद शरीफ से जो हुआ है यानी मैं अरशद शरीफ का इसलिए कहता हूं कि इस तरह की तो हमने कभी सोचा भी नहीं तस्वर भी नहीं किया था कि इस तरह के एक पाकिस्तान के बेस्ट बेहतरीन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट से जो उसके ऊपर एफ काटी गई उसको मुल्क से बाहर धमकियां दी गई और वो देखें उसको कि ऐसा वो एक मुजाहिद जो खड़ा रहा राय हक हाँ पे खड़ा रहा और फिर उसको जो कत्ल किया गया कीरिया में यानी इस तरह की मेरे होते हुए तो कोई मैंने मिसाल नहीं देखी हालांकि मैंने जनरल मार्शल जनरल मुशरफ का मार्शल लॉ देखा वहां कभी इस तरह की हरकतें नहीं हुई जो इस इन द... 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 दस ग्यारह महीनों में हुई और उसके बाद मैं और भी जमील फारूकी वो जाके बता रहे हैं कैसे नंगा किया गया टॉर्चर कितने सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट यंग लड़के लड़की लड़कियों को तो धमकियां लड़कों को जिन्होंने उठाया और उसके बाद उनको किसी सेफ हाउस में लेके गए वहां मार धाड़ करके उसको वापस ले आए और इससे ये सोचा ये जा रहा है कि इससे ये कंट्रोल कर लेंगे मुल्क को जिस तरह हम भेड़ बकरियां हमें मार मूर के तो हमें सारा कंट्रोल कर लेंगे ये सारा हो रहा है इसके पीछे मैं इसके ऊपर खास तवज्जो जरा देना चाहता हूं कि मेरी जो जे आई टी है मैं ये इसलिए आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि मैं ये बार बार लोगों के सामने इस चीज को ले आया हूं इससे पहले मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि तेरह की तेरह की रात को एक एक मुल्तान के अंदर पेपर्स दर्ज करवाने का जो टाइम था उस एक इंसिडेंट होता है नून लीक के और तहरीक इंसाफ के कारकुनों में कोई थोड़ी झड़प होती है उसी दिन रात को नून लीग के कारकुनों को कुछ नहीं कहा जाता एक दो के ऊपर एफ आई आर काट देती उनको कुछ नहीं कहा जाता बीस तरीक इंसाफ के कारकुनों के घरों में उस दिन सारी रात दो दो तीन तीन बजे घरों में घुसे वहां ना चादर और चार दवारी की ना इन परवाह की जिस तरह पच्चीस मई में इन्होंने किया हमारे साथ एम पीज के घरों में घुसे दो दो तीन बजे भाई आप पुलिस हैं ये पुलिस से ये काम करवाया जा रहा है तो लोग पुलिस से नफरत करेंगे या नहीं करेंगे कौन सी दुनिया की पुलिस ये करती है डाकुओं की तरह लोगों के घरों में घुसाते हैं तीन बजे और वहां जाकर औरतों के सामने उनकी फैमिलीज के सामने वहां खौफ फैलाते हैं और डराते हैं धमकाते हैं चीजें तोड़ के चले जाते हैं ये कौन सी दुनिया में होता है और किधर है इंसानों के और ये कौन है ये पॉलिटिकल वर्कर्स है इन्होंने कौन सा जुर्म किया है कि ये जो अब पच्चीस में कौन सा जुर्म किया था कि जो इनको इन्होंने जिस तरह का जुल्म किया और आज देखें कि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट जो होती है न्यूट्रल इसका मतलब होता है कि ये बिल्कुल गैर जानबदार होती है केयर टेकर गवर्नमेंट ऐसी बिठाएं जो हमारे सख्त मुखालफ जिस तरह यहाँ चीफ मिनिस्टर पंजाब का बिठाया हुआ है इसकी चैनल देख लें यह हमारा बदतरीन मुखालिफ है और जरदारी का बगल बचा है को लाकर यहां बैठाया गया और वो आदमी जो कि जिसका किरदार मशकूक है जिसने नैब में सेटलमेंट की हुई है यानी करप्शन के अंदर पैसे दिए हुए हैं उसको ऊपर ला के बैठा दिया उसने सारे वो ऑफिसर्स हमने तेईस ऑफिसर्स की लिस्ट दी कि इन्होंने हमारे ऊपर पच्चीस में पर तशद किया उनमें से सोलह को यहां वापस ला के बैठा दिया और अहम पोजिशन पर बैठा दिया और उन्होंने फिर जो किया आ, 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 अभी से आते आती यानी हमें केयर टेकर गवर्नमेंट जो हमने वॉल्टेरली अपनी गवर्नमेंट्स डिजॉल्व की आनी चाहिए थी केयर टेकर जो न्यूट्रल होनी चाहिए थी हमारे मुखालफिन को ऊपर बैठा के और वो हरासा हो रहा है इस वक्त हमारा अली सा ही है मैं जरा एक और आपके मसाद अली सा दमाद चीफ जस्टिस पंज, पंजाब के लाहौर हाईकोर्ट के उसको उसके ऊपर पहले किसी आदमी को पकड़ा उसको बंद किया उसके ऊपर तशद किया उससे केस बनाया उसके खिलाफ और अब उसको नैब में बुलाया जा रहा है उस्मान डार हमारे वहां सियालकोट के जो एम एन ए के एस्परेंट है एक आदमी को पकड़ा उस वो हालांकि उसकी कोई पोजीशन नहीं थी उसकी उसको पकड़ा उसको कहा इसके खिलाफ केस बनाओ तुम स्टेटमेंट दो इसके अगेंस्ट उसको लेके गए उसको बंद किया सेफ हाउस में बंद किया उसको पहले मारा धमकाया नंगा किया उसके बाद कहा आपके बीवी बच्चों से हम ये ये करेंगे अगर आप ये नहीं करेंगे उसे स्टेटमेंट साइन करवा लें और ये सिर्फ और सिर्फ कोशिश इनकी कि किसी ना किसी तरह तरीके इंसाफ को कमजोर किया जाए डराया धमकाया जाए इस वजह से मैं वो अब ये तरीके नंस कर रहा हूं इसके बाद कि इनका जो आपका शौक है इंशाल्लाह हम हम आपका शौक पूरा कर देंगे लेकिन जो अफसोसनाक चीज है मैं ये सिर्फ अपने कारकुनों का इसलिए बताना चाहता हूं कि एक तो ये क्या करते हैं कि इनके ऊपर जुल्म करते हैं लोगों पे, फिर उसकी कहानियाँ आती हैं हमारे लोगों के पास कि जी ये आपके ऊपर जुल्म किया गया ताकि वो बाकी लोग डर जाएं। हमारे एक एम पी हैं पंजाब के उसको इन्होंने बुला लिया डराया धमकाया फिर उसको आज़म स्वाति की उन्होंने वो वो वीडियो दिखाई जिधर आज़म स्वाति के ऊपर तशद हो रहा है उसको दिखाया गया कि तुम्हारे से भी होगा आजम स्वाति के ऊपर जब तशद कर रहे थे तो उसको कह रहे थे इमरान खान को बताए उससे यह हम करेंगे यह हमारे वो लोग हैं जो हम पेट काट के जिन एजेंसीज को पाल रहे हैं वो ये धमकियां दे रही हैं फिर वो शबाज गिल उसके ऊपर सारा वक्त पूछे कि जी बताओ इमरान खान ने नहीं उसने तुम्हारे खिलाफ स्टेट यानी शहबाज गिल से मेरे खिलाफ आ, उसे ले रहे थे एविडेंस ले रहे थे कि बताओ कि इमरान खान ने करवाया था कि मुझे फंसा सके जिसको यहां सरकारी नौकरों को इन्होंने जो, जो पंजाब में आ, थे जिनको अब ओएसडी कर दिया उनको बार बार पूछते थे जी बचाओ कोई करप्शन है कोई इन्होंने कुछ किया कोई इन्होंने पैसे लिए कोई पोस्टिंग ट्रांसफर पे यह आज हाल है कि क्योंकि यह चाहते हैं कि हम इस करप्ट इन करप्ट लोगों को मान जाए तो इस तरह के हालात हैं लेकिन मैं जो सबसे जो हम सबके लिए एक फिक्र करने वाली बात है मेरे ऊपर हमला होता है एक्स प्राइम मिनिस्टर वो पहले मैं कहता हूं कि ये हमला होने वाला है मैं बताया सबको मैंने मीडिया पे गया लेकिन जिन्होंने जिन्होंने हमला किया वो सारे इकतदार में बैठे थे एक डर्टी हैरी था वो भी पावर में था उसके पास सब सारी अंदरूनी पावर है दूसरी तरफ राना सना और शहबाज शरीफ अब जब इन्हों मुझे पता था कि ये सारी जो प्लानिंग हो रही है क्योंकि उसके बाद हमें तो पूरी खबरें आ रही थी और अंदर से खबरें आ रही थी कि यह होने वाला है तो जब यह हुआ जब मेरे पर वो वजीराबाद में इंसिडेंट हुआ तो मैं ये इसके ऊपर हम काफी बातचीत कर चुके हैं कि इन्होंने एकदम कह दिया कि एक शूटर है जो जे बैठी उसने थोड़ी देर के बाद साबित कर दिया तीन शूटर थे उसका फ्रेंसिक था भी तीन जगह से गोलियां वो खोल मिले गोलियों के और वो जो सारा बयानिया था कि एक शूटर ने और दीनी इंतजाब पसंद ने किया वो सारा खत्म हो गया उसके बाद वो जे आई टी मैं सिर्फ आपको याद कराना कि जो पंजाब की बनाई हुई जे आई टी उसमें ना पंजाब का जो डी पी ओ था गुजरात का जिसने वीडियो बनाई थी ना वो पेश होने के लिए तैयार ना वो, उस वो अपना फोन देने के लिए तैयार और ना जो आ, आ, सी टी डी जो जो टेररिज्म की जो थी जो उसको उठा के ले गई लड़के को उसके बाद जो शूटर था उसको जब अपने पास रखा उन्होंने दूसरी वीडियो बनाई ना वो तैयार हुए कि नहीं हम नहीं आपको आ, ना वो पेश होने के लिए आया वो जो जो सी सी पी ओ था और ना ही उन्होंने अपना फोन दिया यानी पंजाब गवर्नमेंट की जे आई टी की उन्होंने खिलाफ वर्जी की मैं ये फिर रूल ऑफ लॉ पर आ रहा हूं कि ये जब इस तरह होना शुरू हो जाए तो गवर्नमेंट तो खत्म हो जाती है सिटिंग गवर्नमेंट एक तफ्तीश कर रही है जिस पार्टी की पावर में है गवर्नमेंट उस पार्टी के सरबराह के ऊपर कातलाना हमला उसके ऊपर पुलिस वालों ने मना कर दिया फिर जे जो बनी उसके चार मेंबर्स ने जाके एकदम जे के खिलाफ बयान दे दिया प्रोसिक्यूटर जनरल ने फिर उन चार के ऊपर तफ्तीश की और उनका इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए इन्होंने जान के सेमिटाइज किया किसके कहने पर यह हो रहा था अब सोचें वो कितना ताकतवर होगा जो इसके बावजूद कि हम पावर में बैठे हैं हमारी पुलिस हमारी बात नहीं सुन रही थी ये होती है रूल ऑफ लॉ अब सोचें कि अगर हमारी गवर्नमेंट का ये हाल था कि हम अपने सरबराह के ऊपर जो जो उस गवर्नमेंट का आ, पार्टी का हेड था उसको इंसाफ नहीं दे सके तो बाकियों को क्या इंसाफ देना था उस गवर्नमेंट ने किसकी बात सुन रहे थे और अब आप सुने कि उसके बाद आप क्या होता है टेकर गवर्नमेंट आती है टेकर गवर्नमेंट का सिर्फ काम इलेक्शन करवाना है ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन है जेआईटी की जेआईटी ने फाइंडिंग्स सामने आ गई केयर टेकर गवर्नमेंट आके जेआईटी को पहले तो रोक देती है फिर वो जो ऑफिसर काम कर रहा होता है उसके ऊपर उसको ओ एस डी बना देती है रिकॉर्ड सीज कर लेती है अब ये जरा सुने रिकॉर्ड सीज करती है तो ये आज होता क्या है अदालत पहले तो वो जब जो जे आई टी की तफ्तीश हो रही होती है उसके अंदर उसके अंदर जब वो वो केस लगता है पिछली बारी तो वो कहते हैं जी हमारे पास तो रिकॉर्ड ही नहीं और वो रिकॉर्ड ही नहीं दे रहा एंटी करप्शन के नीचे जो अपना आदमी एंटी करप्शन के ऊपर ये लेके आते हैं अपने का मतलब शहबाज शरीफ का आदमी वो 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 हमें रिकॉर्ड ही नहीं देता यानी जे आई टी को जो अदालत के सामने वो रिकॉर्ड ही नहीं देता जो उसके पास रिकॉर्ड पड़ा होता है फिर वो जो अदालत उसे कहती है एंटी एंटी टेर्रिज्म कोर्ट जो गुजरा वाला का है वो ऑर्डर करता है डीजी डी को कि रिकॉर्ड प्रोड्यूस करें हमारे सामने रिकॉर्ड लेके आओ पहले वो रिकॉर्ड नहीं लेके आता फिर दूसरी दो प्रोसिक्यूटर्स जाते हैं एंटी करप्शन में वो रिकॉर्ड लेने जब वो वहां जाते हैं तो पता चलता है कि सिर्फ 11 सफे रह गए हैं सारा रिकॉर्ड जीआईटी का गायब हो गया और सिर्फ उसमें से 11 सफे रह गए हैं चुन के वो 11 सफे जो जिनका कोई बेमान है यानी जे को सेबुटाज कर दिया गया इस, इस गवर्नमेंट ने और फिर सुने जरा अब मैं जरा पूरा इसको हुआ? एक जो होता है जिसको जेल में रखा होता है उसकी बेल हो जाती है यानी दो आदमी जेल में एक को बेल हो जाती है और क्योंकि हमारा केस नहीं रजिस्टर करती क्योंकि पुलिस मेरी एफआईआर नहीं रजिस्टर करती और पुलिस अपनी एफआईआर लेके आती है जिसमें पुलिस कहती है एक शूटर है जो जे आई की का जो 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 तफ्तीश होती है उसमें पता चलता है तीन शूट रहे तो उनकी एफ आई आर तो बेमाना होगी ना तो अब यह सिचुएशन क्या है कि आज जो मेरे ऊपर हमला हुआ था और जो इतनी देर की तफ्तीश हुई थी पहले इन्होंने मेरा जब एफ आई आर भी नहीं काटी इतनी तफ्तीश के बाद आज क्या सामने चीज आती है कि जो रिकॉर्ड था वो जान के इन्होंने खत्म किया सहबाज किया इससे क्या चीजें सामने आती हैं इससे ये सामने आती हैं कि जो मैं कह रहा था कि जो तीन लोग इसमें मुलविस थे ये आज कंफर्म है कि ये तीन लोग हैं क्योंकि ये सिर्फ तीन लोग करवा सकते थे इन्हीं के पास पावर है कि यह जेआईटी को सेबाइज कर सकते इन तीन के पास ये सारे और जो मैंने पहले दिन कहा था कि चीफ जस्टिस साहब आप सुने इसको क्योंकि मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा वो साबित हो गया कोई इंसाफ मिलने की अब तो नहीं है क्योंकि इन्होंने सारा रिकॉर्ड गायब कर दिया और ये क्यों किया क्योंकि इनको पता था कि इन्होंने पकड़े जाना है इसमें ये सारी कड़ी इन्हीं की तरफ जा रही थी और इससे ये साबित होता है कि जब मुझे अदालतें बुलाती हैं कि जी आप आके अपेरेंट्स करो मेरा सवाल यह है कि मुझे मेरे ऊपर जब हमला हुआ था तो मैं तो उससे दो महीने पहले कह रहा था कि मेरे ऊपर हमला होने वाला है मैंने तो यह भी बता दिया था कि दीनी इंतहा पसंद कर नाम पर मेरे ऊपर हमला होगा मुझे तो किसी ने नहीं, नहीं बचाया ना किसी ने मेरी कोई परवाह की कि इसके ऊपर एक अटैम्प्ट होने लगा और क्योंकि किसने बचाना था जिन्होंने बचाना था वो खुद ही मुलविस थे उसमें और तभी मैंने कहा था कि अगर इन्हीं के ऊपर छोड़ दी तफ्तीश ये तो होने ही नहीं देंगे जो उन्होंने नहीं होने दी इससे अब आगे चले इसका मतलब कि अगर ये तीन लोग अभी भी पावर में बैठे हुए हैं तो मेरी जान अभी भी खतरे में है क्योंकि इन लोगों के होते हुए कौन मुझे प्रोटेक्शन देगा कि अगर ये जो तीन है वो डर्टी हैरी मिला के और ये जो राणा सनावला और इनके पीछे है तो कौन प्रोटेक्ट करेगा मुझे मैं जब जब भी मैं जाऊंगा पब्लिक में इनसे खतरा तो इनसे है जिन्होंने प्रोटेक्ट करना है वही उनसे मुझे खतरा है और ये साबित हो गया जी से मैं अगली बात करना चाहता हूं बस आखिर में राना सनावला ने बड़े जोरों शोरों से कहा कि जनाब कि मैंने ये एक मेरे पास ऑडियो है किसी जज साहब के ऊपर इंप्लाय करा था जज साहब के ऊपर उन्नीस सौ छियानवे में जब बेनजीर की हुकूमत गाई गई तो वो जरा जजमेंट देख लें जिसमें फारूक लगारी ने जब जो गवर्नमेंट कराई तो उसके अंदर एक सबसे बड़ी वजह क्या थी कि बेनजीर गवर्नमेंट को उन्होंने कहा कि ये फोन टैपिंग करते हैं लोगों के फोन टेप करते हैं जो सदर निक्सन अमेरिकन प्रेसिडेंट, जो बड़ा तकड़ा प्रेसिडेंट था उसकी गवर्नमेंट गिरी क्योंकि उसके ऊपर यह साबित हो गया कि यह मुखालफिन के टेलीफोन को टैप करता है इसलिए उसको जाना पड़ा तो यह तो खुद ही इंटीरियर मिनिस्टर ने कह दिया कि हम हमारे पास हम फोन टैप करते हैं इसके ऊपर इनकी गवर्नमेंट जानी चाहिए मैं यह समझता हूं कि यह जो तरीका कार इस माफिया का है क्योंकि ये पॉलिटिशियंस नहीं है माफियाज ये चीजें करते हैं इंसाफ से बचने के लिए ब्लैकमेल करने के लिए मेरे ऊपर भी कहा जी मेरी टेपें मैंने रखी हुई हैं मैं एज प्राइम मिनिस्टर मैंने अदालत में बताया हुआ है कि मेरी प्राइम मिनिस्टर की सिक्योर लाइन से मेरी वो मुझे इन्होंने टेप्स बनाई हुई थी और मेरी सिक्योर लाइन के ऊपर मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बातचीत उन्होंने एजेंसीज ने पब्लिक कर दी तो अगर इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा यानी मैं अब अपनी अदलिया से कहना चाहता हूं कि ये तो ये तो मुल्क को बिल्कुल ही यानी आप पहले तो ये कर, जो जो अदलिया फैसला करती है उस पर नहीं चलते फवाद चौधरी को हाईकोर्ट के जज बुलाते गए कि उनको पेश करो मेरे सामने और आई जी लेके उसको इस्लामाबाद चला गया बार बार उनको कहा गया तीन दफा जज ने कहा कि मेरी अदालत में पेश करो वो इस्लामाबाद चला गया तो अगर अगर आप ये करेंगे पहले तो उनकी उनकी जजमेंट्स पे नहीं मानेंगे और फिर उसके बाद उनको ब्लैकमेल करने के लिए ये हरकतें करेंगे तो मुल्क में कानून तो खत्म हो गया तो इसलिए ये जंग है पाकिस्तान की ये जो जंग में मैं आपको हकीकी आजादी है क्या हकीकी आजादी उन कौमों को मिलती है जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी होती है रूल ऑफ लॉ होता है जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट होते हैं जिधर इन्वेस्टर सरमायाकार उनको इतमाद होता है एक सिस्टम के ऊपर वो कौमें खुशहाल होती हैं तो जिस कौम में जजेस की जजमेंट ही नहीं हो रही मुझे बताएं कौन सा इन्वेस्टर आएगा पाकिस्तान में कौन इस सिस्टम के अंदर बिलीव करेगा कि वो जब ये देख रहा है कि जज जज फैसला भी कर दे तो उसका कोई मुझे फायदा नहीं होगा कौन आएगा इन्वेस्ट करने और ये सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा ये जो आप देख रहे हैं ना मौजूदा हालात ये ये हालात तो एक बीमारी के सिम्टम्स हैं ये जब एक फोड़ा निकलता है तो, तो कैंसर की वजह से निकलता है अंदर से तो कैंसर हो ये कैंसर ये है कि यहाँ कानून नहीं है या इंसाफ नहीं है इसकी कैंसर की वजह से कब्जा ग्रुप भी फिर रहे हैं पाकिस्तान में कमजोरों की जमीनों पर कब्जा करते हैं इस कैंसर की वजह से ताकतवर डाकू एन ले लाते हैं अरबों रुपए की अपनी करप्शन माफ कर देते हैं कमजोर सिर्फ जाता है क्योंकि इंसाफ नहीं है ये जंग सारी हकीकी आजादी की इंसाफ के लिए ये जो छब्बीस साल पहले मैंने अपनी जिंदगी में सफर शुरू किया था इंसाफ की तहरीक ये सिर्फ और सिर्फ ये मसला है पाकिस्तान का इसलिए आज हम सबको कानून की हुक्मरानी के साथ खड़ा होना चाहिए ये जो कर रहे हैं ये जो माफिया ऊपर बैठा हुआ और उनको बैठाया गया इस माफिया के सामने हमें खड़ा होना पड़ेगा मैं अनाउंस कर रहा हूँ इंशाला बुध से वेंसडे को अपनी जेल भरो तहरीक मैं अपनी सारी पार्टी को आज कह रहा हूँ कि तैयारी करें हमने शुरू करना है लाहौर से और हम फिर पाकिस्तान के बड़े बड़े हर अगले दिन बड़े बड़े शहरों के अंदर हम जेल भरने की अपनी तारीख शुरू करेंगे जेल भरेंगे हम क्या बताना की कोशिश कर रहे हैं हम सबसे पहले तो अपनी कौम को ये कहना चाहते हैं कि अब खौफ के बुत को तोड़ दो ये जो हम खौफ के सामने झुकते हैं मैं सारों को बार बार वो मिसाल देता हूं कि कोफा के लोग सब जानते थे कि हजरत इमाम हुसैन राय हक पे हैं लेकिन जजीद के खौफ की वजह से नहीं मदद करने आए और वो गुलाम वो आज तक जब तक दुनिया रहेगी वो पछताएंगे उधर के लोग पछताएंगे क्यों नहीं हम खड़े हुए और इस्लाम की तारीख का सबसे बड़ा सानिया हमने उन्होंने दिया वही आज हालात हैं आज भी पाकिस्तान के अंदर हम डरे ये डराते हैं हमें जिस तरह फिरौन की से डर, डर के वो सारे लोग गुलाम बने हुए थे जब हजरत मूसा आए और उन्होंने खड़े को, कोई उसका सामना खड़ा हुआ आज भी ये कोई आप अपने जेन से निकाल दें कि ये जो हमें डराते हैं ना कि हम आपको जेलों में डाल देंगे और मैं खास तौर पे वो सारे लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो जब उनको पता चलता है मुझे जेल में डालने आ रहे हैं तो सारे यहां जाते हैं और सारी रात मैं उनकी आवाजें सुनता हूँ और नारे सुनता हूँ तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ लेकिन मैं आप उनको भी सबको कहना चाहता हूं कि देखें ये हमें कोई ये जो जेल से डरा रहे हैं हम जेल भर देंगे इनके इनके पास जगह ही नहीं होगी जेलों के अंदर लेकिन ये तो नहीं होगा कि जेल के खौफ से ये हर किस्म का जुल्म करें इस मुल्क में चोरों के ऊपर मसलत कर दें चोर पर हमें डराए जेलों से आवाम की कमर तोड़ दें महंगाई से इनके पैसे बाहर पड़े हैं इनको फर्क ही नहीं पड़ता डॉलर्स में इनके पैसे पड़े हैं कौम की यहाँ बेचारा तनख्वाह तबका आज कैसे गुजारा करता होगा ये इससे पहले ये जो अभी इन्होंने महंगाई की अभी जो ये जो मिनी बजट दिया है इससे पहले अगर आपकी पिछले एक साल पहले आपके बैंक में बल्कि अप्रैल में दस महीने पहले आपके बैंक के अंदर आपकी तनख्वाह थी बैंक ने आपकी तनख्वाह महाना तीस हजार थी आज सिर्फ वो बीस हजार रह गई है यानी आप सिर्फ आज सिर्फ वो बीस हजार की चीजें खरीद सकते हैं और अब एक और मजीद तूफान आ रहा है महंगाई का जो आज महंगाई है आज की शरह मेरे ख्याल में तीस बत्तीस थी आज उससे भी ऊपर चली गई है अठतीस उनतालीस पर चली गई है इसका मतलब ये मजीद महंगाई अभी और बढ़ेगी तो इनको तो फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि इनके पैसे बाहर पड़े हैं और डॉलर्स का मतलब कि इनके पैसे पाकिस्तान के मुकाबले में उस उसमें इजाफा हो रहा है दौलत में क्योंकि हमारा जिस तरह जिस तरह रुपए की कीमत गिरती रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है तो रुपया कम चीजें खरीदता है लेकिन क्योंकि डॉलर्स में है वो डॉलर ज्यादा चीजें खरीदता है तो इनकी तो इनको कोई नुकसान नहीं हो रहा ये जो मुल्क में इस वक्त अजाब आया हुआ है महंगाई का तो इन शाह बुद्ध को मैं सबको आज अपनी सारी कौम को भी अपनी तहरीक अपनी पार्टी को सबको कह रहा हूँ कि हम ये शुरू करेंगे और ये सारे पाकिस्तान के अंदर हमारी ये तहरीक जाएगी पाकिस्तान जिंदाबाद